हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज बनाते हैं सफ़ेद काबूली चने। तो इसके लिए हमने ये सफ़ेद चने ले लिए हैं और हमने इनको पूरी रात भिगो के रखा है और इनको हमने 2-3 बार अच्छे साफ़ पानी से धो दिया है। और धोने के बाद हम इन्हें डाल देंगे कुकर में उबलने के लिए, तकरीबन 5-7 सीटियाँ लगाकर। और इधर हम चाय पत्ती को, 1 चम्मच चाय पत्ती को उबाल लेंगे और उसको अलग कर लेंगे छान कर। और यहाँ पे हमने ले लिए हैं 3 बड़े प्याज, 2 हरी मिर्च और 2 बड़े टमाटर। उनको काट लेंगे। और ये देखिए हमारा पानी गया है चाय पत्ती का, तो हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हमने ले लेते हैं कढ़ाई और उसमें ऑयल गरम होने पर हम इसमें जीरा डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच और उसे भुनने देंगे। भुनने के बाद हम इसमें कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे और बिल्कुल नरम होने तक, इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे अच्छी तरह से। जब ये भून जाए तो हम इसके बाद हम जो है इसके अंदर टमाटर डालेंगे। काबूली चने बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन मेरी हमेशा से आदत यही रहती है कि मैं खाने को जितना सिंपल और सोवर रह सकूं उतना ही मैं बनाऊं। मसाले में कम यूज़ करना पसंद करती हूं, क्योंकि ज़्यादा मसाले हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। और मैं कोशिश करती हूँ कि हम जो है पौष्टिक और सिंपल खाना ही खाएं, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा खाना तो आजकल मिलावटी ही है, ये सब तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ देखिए हमने हमारा प्याज जो भुन चुका था, तो हमने अपने टमाटर डाल दिए हैं और हम बस टमाटर को भी हम धीमी आंच में थोड़ा सा गला लेंगे और पका लेंगे अच्छी तरीके से। जब हमारे टमाटर गल जाएंगे तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। अपना गरम मसाला, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी और थोड़ा सा नमक, ये सारी चीज़ें मिक्स कर कर मैं एक ही कटोरी में इकट्ठा कर लूँगी जितना भी मुझे चाहिए। आप चाहें तो पानी मिलाकर उसे मिक्सचर भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो सूखा भी डाल सकते हैं। तो मैंने मैंने मसाले डाल दिए हैं और मैंने ये सूखे ही डाले हैं, क्योंकि टमाटर का अभी पानी छूटा ही था, तो टमाटर के पानी से ये अच्छे से भुन जाएंगे। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच नमक टेस्ट के अनुसार, क्योंकि हमने जब चने उबाले थे तो हमने उसमें नमक डाला था। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम उबालते टाइम नमक डालेंगे तो हमको इस टाइम पर थोड़ा नमक कम रखना है, क्योंकि नहीं तो फिर नमक ज़्यादा हो सकता है। तो अब यहाँ पे जब मसाले अच्छे तरीके से भुन जाएंगे तो हम उबले हुए चने, काबूली चने हम इसमें डाल देंगे। और जो बचा हुआ पानी होता है चनों का, हम उसे फेंकेंगे नहीं, वो भी हम इसी सब्ज़ी में, इसी चनों में साथ में हम डाल देंगे। और तकरीबन 15 से 20 मिनट लग सकते हैं इसको पकने में। और बस आराम से जो है हम इसे पकाते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप चाहें तो सिंपल रोटी के साथ, नान के साथ, पूड़ियों के साथ और चावलों के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो चलिए दे देखिए हमारा जो मसाला जो है वो भुनकर तैयार हो गया है। तो हम अब इसमें उबले हुए चने जो है ऐड कर देंगे और बस इन सारे मसालों को चनों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बिल्कुल। और मिक्स करते हुए जो बचा हुआ जो चने का पानी होगा, हमने साइड में निकाल रखा है, तो वो भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ऐड कर दें, मिक्स कर दें, क्योंकि अभी चनों में सिर्फ नमक का टेस्ट है, मसालों का टेस्ट नहीं है। इसलिए तकरीबन 15 से 20 मिनट स्लो आंच पर पकाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मसालों का फ्लेवर चनों के अंदर भी जा सके। तो ये देखिए मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। सबसे पहले मैं इसमें चाय पत्ती का पानी डालूंगी जो हमने उबाला था। इससे छोलों में, चनों में एक अलग तरीके का कलर आता है, जो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर हो जाता है, बहुत सुंदर कलर लगता है। और उसके बाद हमारा जो बचा हुआ पानी था वो डाल देंगे और हम इनको अब ढककर पकाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था 15 से 20 मिनट। और कम ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस अब हम इसे ढककर पकाएंगे। सारा प्रोसेस फॉलो हो गया है। और बताइएगा कि आपको ये चने कैसे लगे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से उबाल हो गया है, कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी थिकनेस आ गई है ग्रेवी में। ये देखिए अच्छी तरह से जो है पक गए हैं ये, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और जो है थोड़ा ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करना चाहती हूँ, तो मैं इसको थोड़ी देर और 5 मिनट के लिए पकने दूँगी। और तकरीबन 5 मिनट के बाद ये देखिए ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। बस मुझे यही कंसिस्टेंसी चाहिए और बस ये रेडी टू सर्व है।